गैलीलियो गैलीली की जीवनी। आधुनिक इटली के पीसा नामक शहर में 15 फरवरी 1564 को गैलीलियो गैलीली का जन्म हुआ था। अधिकांश लोग गैलीलियो को एक खगोल विज्ञानी के रूप में याद करते हैं, जिसने दूरबीन में सुधार कर उसे अधिक शक्तिशाली और खगोलीय प्रेक्षणों के लिए उपयुक्त बनाया और साथ ही अपने प्रेक्षणों कसे ऐसे चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए जिससे खगोल विज्ञान को नई दिशा दी और आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव रखी। गैलीलियो गैलीली के बारे में बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि खगोल विज्ञानी होने के अलावा वो एक कुशल गणितज्ञ, भौतिकविद और दार्शनिक थे जिसने यूरोप की वैज्ञानिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए गैलीलियो गैलीली को आधुनिक खगोल विज्ञानम का जनक और आधुनिक भौतिकी का पिता के रूप में भी संबोधित किया जाता है। गैलीलियो गैलीली ने दर्शन शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया था, साथ ही वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, पर वो अपने प्रयोगों के परिणामों को कैसे नकार सकते थे जो पुरानी मान्यताओं के विरुद्ध जाते थे, और वो इनकी पूरी ईमानदारी से व्याख्या करते थे। उनकी चर्च के प्रति निष्ठा के बावजूद उनका ज्ञान और विवेक उन्हें किसी भी पुरानी अवधारणा को बिना प्रयोग और गणित के तराजू में तोले जाने से रोकता था। चर्च ने इसे अपनी अवज्ञा समझा, पर गैलीलियो गैलीली की अपनी सोच ने मनुष्य की चिंतन प्रक्रिया में नया मोड़ ला दिया। गैलीलियो गैलीली ने आज से बहुत पहले गणित, सैद्धांतिक भौतिकी और प्रायोगिक भौतिकी में परस्पर संबंध को समझ लिया था। परावलय या पैराबोला का अध्ययन करते हुए वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि एक समान त्वरण की अवस्था में पृथ्वी पर फेंका कोई पिंड एक परवलयाकार मार्ग में चलकर वापस पृथ्वी पर गिरेगा, बशर्ते हवा में घर्षण का बल अपेक्षणीय हो। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनका सिद्धांत जरूरी नहीं कि किसी ग्रह जैसे पिंड पर लागू हो। उन्हें इस बात का भी ध्यान था कि उनके मापन में घर्षण और अन्य बलों के कारण अवश्य त्रुटियां आई होगी, जो उनके सिद्धांत की सही गणितीय व्याख्या में बाधा उत्पन्न कर रही थी। उनकी इस अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध भौतिकविद आइंस्टाइन ने उन्हें आधुनिक विज्ञान का पिता की पदवी दे डाली। जिसे हम आपेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं, उसकी नींव भी गैलीलियो गैलीली ने ही डाली थी। उन्होंने कहा था, भौतिकी के नियम वही रहते हैं, चाहे कोई पिंड स्थिर हो या समान वेग में एक सरल रेखा में गतिमान। कोई भी अवस्था ना परम स्थिर या परम चल अवस्था हो सकती है। इसी ने बाद में न्यूटन के नियमों को आधारभूत ढांचा दिया था। सन 1609 में गैलीलियो गैलीली को दूरबीन के बारे में पता चला, जिसका हॉलैंड में आविष्कार हो चुका था। केवल उसका विवरण सुनकर उन्होंने उससे भी कहीं अधिक परिष्कृत और शक्तिशाली दूरबीन स्वयं बना ली। फिर शुरू हुआ खगोलीय खोजों का एक अद्भुत अध्याय। गैलीलियो गैलीली ने चांद देखा, उसके उबड़ खाबड़ खड्डे देखे। उन्होंने बृहस्पति ग्रह को अपनी दूरबीन से निहारा, फिर जो उन्होंने देखा और उससे जो निष्कर्ष निकाला, उसने सौरमंडल को ठीक ठीक समझने में बड़ी मदद की। गैलीलियो गैलीली समझ गए थे कि बृहस्पति ग्रह का अपना अलग संसार है। उसके इर्द गिर्द घूम रहे पिंड अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी की परिक्रमा के लिए बाध्य नहीं है। तब तक यही माना जाता था कि ग्रह और सूर्य सभी पिंड पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं। हालांकि निकोलस कोपरनिकस गैलीलियो से पहले ही ये कह चुके थे कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं ना कि पृथ्वी की, लेकिन इसे मानने वाले बहुत कम थे। गैलीलियो की इस खोज से सौरमंडल के सूर्य केंद्रित सिद्धांत को बल मिला था। इसके साथ ही गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत को खुला समर्थन देना शुरू कर दिया था। यह बात तत्कालीन वैज्ञानिक और धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध जाती थी। गैलीलियो के जीवन काल में इसे उनकी भूल ही समझा गया। सन 1633 में चर्च ने गैलीलियो को आदेश दिया कि वो सार्वजनिक रूप से कहे कि यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी उनको कारावास दे दिया गया। बाद में कारागार में रहते हुए उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उन्हें गृह कैद दे दिया गया, जिसमें उनको घर पर ही कैद में रखा गया। 8 जनवरी 1642 को गृह कैद झेल रही गैलीलियो की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कुछ महीनों बाद ही न्यूटन का जन्म हुआ था। इस तरह हम कह सकते हैं कि उस समय एक युग का अंत और दूसरे नए क्रांतिकारी युग का आरंभ हुआ था। आज भी हम गैलीलियो के सिद्धांतों को अपनी पाठ्य पुस्तकों में देख सकते हैं।